उत्तर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी आज बांद्रा स्थित एसआरए कार्यालय पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में लटके पड़े एसआरए के प्रोजेक्ट को लेकर उनको अवगत कराया। इस संबंध में वापस बाहर आने पर मीडिया के साथ बातचीत में सांसद गोपाल शेट्टी जी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। आते हुए वोट गए, देखिए दो मुद्दे, पहले छोटे छोटे लेकिन बहुत गंभीर मुद्दे हैं वो बताना चाहूँगा। कांदिवली ईरानीवाड़ी में एक प्रोजेक्ट है जिसमें मुंबई में तीन बार एमएलए रह चुके हेमेंद्र भाई मेहता के सन एक पार्टनर है और उसका दूसरा पार्टनर हरीश छेड़ा जो हमारा बीजेपी का एक कॉरपोरेटर है। ये 385 लोगों का एक स्कीम कर रहा है जिसमें से 380 हिंदू लोग हैं और 4 मुस्लिम लोग हैं। अब ये 4 मुस्लिम लोग वहाँ पर मदरसा बनाने की बात करते हैं, 380 लोगों को मंदिर की बात नहीं कोई कर रहा है, लेकिन ये 4 मुस्लिम लोगों को मदरसा चाहिए। वो बिल्डर ने उसको मदरसा देने का भी तय किया लेकिन वो बोले ग्राउंड फ्लोर में दो, ग्राउंड फ्लोर में इसलिए दो ताकि बाकी के भी आजू बाजू अगल बगल के सारे लोग आए और ये सोसाइटी के लोगों का जीना हराम करे। मैंने एक सीओ को कहा नथिंग डूइंग बिल्कुल नहीं चलेगा, मुस्लिम भाई भी हमारे, मेरा काम करने का बहुत तरीका अलग है, मैं कट्टर हिंदू, मैं अपने धर्म के लिए मर जाऊँगा लेकिन मेरा धर्म दूसरे किसी को परेशान करने का सिखाता नहीं है। मैंने कहा कि वो चारों को नियम में नहीं है, एक साथ में दे दो, चारों मुस्लिम भाई हमारे उनको एक साथ में रहने दो और उनका जो एक अलग रूम है वो भी उनको दे दो, पांच साथ में दे दो ताकि वो पांचवें रूम में मदरसा बच्चों को पढ़ाने का, नमाज जो भी करने का वो करेंगे, लेकिन बिल्कुल नीचे नहीं, नीचे बिल्कुल नहीं। ये मैंने कहा कि कल सीओ ने एक मिनट में मान लिया बात को। दूसरा, एक मलाड़ में बिल्डिंग बन के 2 साल हो गए, ऑक्यूपेशन आ गया, मंदिर वहाँ पर जूना है, बरसों से है, उसको बिल्डर और अच्छा बना कर देना चाहता है, अब इसमें पुलिस परमिशन की आवश्यकता है। इसमें पुलिस परमिशन लगता नहीं है, एसआरए में जहाँ पर मस्जिद है तो मस्जिद बनेगा, चर्च है तो चर्च बनेगा, मंदिर है तो मंदिर बनेगा, ये नियम है। नया मंदिर बनाने के लिए पुलिस का एनओसी चाहिए, वो इसलिए है क्योंकि हिंदू जगह पर जाकर मुस्लिम लोग मस्जिद बनाए तो लफड़ा चालू हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, मुस्लिम एरिया में हिंदू जाकर कोई मंदिर बनाएगा तो इसलिए पुलिस एनओसी की आवश्यकता, वो ठीक है लेकिन इसमें आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद भी पुलिस परमिशन 2 साल से पुलिस लोग परमिशन नहीं दे रहे। मैं शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी करना नहीं चाहता हूँ लेकिन बाला साहब की आत्मा को आज कितना वेदना होता होगा कि यह सरकार 2 साल के पहले मिनट्स हुआ जिसमें कहा गया कि एसआरए को पूरा पावर दे दो, एसआरए के ऑफिसर तय करेंगे क्या करने का, लेकिन अभी तक वो फाइल पर साइन नहीं हो रहा है। अभी सीओ ने कहा, एक पुलिस ऑफिसर ने उसमें कंडीशन डाल दिया कि 8 पार्किंग चाहिए। अब पुलिस स्टेशन इतना बड़ा बड़ा पुलिस स्टेशन है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं शिकायत करने के लिए लेकिन वहाँ पर पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर परेशान करने के लिए 8 पार्किंग डाल दिया। डीसी रूल में नहीं है, सीओ एसआरए कह रहे कि डीसी रूल में नहीं है, गलत पार्किंग का डाला है कंडीशन, इसको मैं निकाल दूंगा। लेकिन साहब ये अभी कितने लोग गोपाल शेट्टी को मिलेंगे, कितने लोग जाएंगे इस प्रकार के परेशानी को, पुलिस का काम है ये सब करने का। और वो बिल्डर कह रहा था, मैं ऑन रिकॉर्ड वो कह रहा कि अभी मैं ले दे के इसको ख़त्म कर दूंगा, 10 फाइल पे जाता है बोलते एक एक जगह पे 50,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। मैं ऑन रिकॉर्ड, कोई पुलिस वाले को अगर ख़राब लगता है तो मेरे पास आए, वो मुझे जिसने कहा मैं उसको सामने करने के लिए तैयार हूँ। ये मैं बिल्कुल मुंबई में चलाने वाला नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी ओरिजिनल हिंदुत्व को लीड करती है और मैं भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा हूँ, मुंबई शहर में मैं ये बिल्कुल होने नहीं दूंगा। ये दो मुद्दे क्लियर हो गए। तीसरा मुद्दा, जोगेश्वरी के बारे में जो लैंडमार्क जजमेंट दिया, एसआरए के सब ऑफिसर लोग भी खुश है, बोला साहब अभी हम फास्ट काम करेंगे, ये जजमेंट बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, इसके हिसाब से काम करेंगे। नलिन पटेल नाम का जो व्यक्ति है जो कांदिवली का 15 साल से प्रोजेक्ट बंद पड़ा है, उसका भी कहा कि फर्स्ट ओनर को हम परमिशन देंगे, उनको बुलाएंगे एक बार और मीटिंग करके कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर उसको स्क्रैप कर देंगे। कोर्ट 15 साल से कोर्ट में भी फैसला नहीं हो रहा है। मैं न्यायाधीश से भी निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम एसआरए के मैटर को ये जजमेंट के हिसाब से भी बोल देंगे ना तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ा फर्क आएगा। 15-15 साल स्टेटस को लेकर अगर पड़ा रहेगा तो किसी व्यक्ति के जीवन के 15 साल न्यायालय के निर्णय न होने के वजह से अगर खराब होता होगा तो इससे बड़ा वेदना और इससे बड़ा दुख देने वाला कोई विषय नहीं हो सकता है। लेकिन आज का मीटिंग बहुत अच्छा हुआ। मैंने पहले जाते समय कहा था कि लोखंडे साहब काम बहुत फास्ट करते हैं, अच्छे हैं, छोटे छोटे लोगों का भी सुनते हैं,
उनको सरकार का राइडर है वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने कहा कि गोपाल सेट्टी के मुद्दे के बारे में कोई राइडर काम नहीं करेगा क्योंकि आपके सारे मुद्दे बहुत जेन्युइन होते हैं। उन्होंने कहा ऑफिसरों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि गोपाल सेट्टी पार्लियामेंट का सेशन पूरा होकर यहाँ पर जब मिलने आएंगे तब तक ये सारे के सारे मुद्दे क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सांसद जी मांग की थी कि अब इस पे अमल किया जाए, उसके बारे में तो आप देखिए। नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है इसका, आपको आपने मुद्दा ये छेड़ा है तो रेलवे के बारे में मैंने इस मुद्दे को उठाया था और रेलवे के लोग भी अभी मन बना रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर रेलवे पटरी के आजू बाजू में जितने भी झोपड़ियाँ हैं उनको सारे लोगों को घर देने का एक काम के पीछे पड़े। दानवे जी को ये जवाबदारी दी गई है और ख़ास करके जैसा मैं स्लम फ्री मुंबई के बारे में बात करता हूँ तो केंद्र सरकार के सारे अधिकारी भी स्लम फ्री इंडिया के बारे में एक प्रपोजल बहुत ही जल्दी ला रहे, ये एक हो गया। और केंद्र सरकार के और काफ़ी जगदम्बिका पाल जो हमारे यूडी के चेयरमैन है वहाँ पर, तो उन्होंने भी मीटिंग लेकर मुंबई के SRA को स्पीड अप करने के बारे में बहुत पहल की है। मैं मानता हूँ कि एक 3-4 महीने के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा SRA के बारे में, लेकिन हमको लगातार इसके ऊपर काम करते रहना पड़ेगा, मीडिया डोमेन में भी बार बार ले जाना पड़ेगा। 35 साल में 280,000 लोगों को घर दिया है, आज 15 लाख लोग परिवार झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, ये स्पीड में हम जाएंगे तो 70-80 साल लगेंगे सारे क्लियर करने के लिए। इसलिए मेरी ये मांग है माड़ा का माड़ा के लोग करें, म्यूनसिपाल्टी के जितने प्लॉट है म्यूनसिपाल्टी के लोग करें, प्राइवेट प्लॉट जितना भी है वो बिल्डर लोग करें और बाकी सारे एजेंसी लोग अपना अपना करेंगे तो सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो बड़े पैमाने पे मुंबई शहर में लोगों को रोज़गार मिलेगा और आने वाले 10 साल में आप देखेंगे कि बहुत बड़े बदलाव होकर सारे लोगों को घर मिलेगा। इतनी बड़ी इसमें ताकत है, लेकिन हम सबको मिलकर इसमें काम करना पड़ेगा। थैंक यू सर।